तीर्थराज प्रयाग में संगम की रेती पर कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद रौनक लौट आई है। तंबुओं का नगर बस गया है। माघ मेला क्षेत्र में वेद मंत्र एक बार फिर गूंजने लगे हैं। कल्पवासियों ने आस्था की अखंड ज्योति जलाते हुए अपने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिए हैं। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ मास पर्यंत चलने वाले माघ मेले की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। हालांकि तैयारियां अभी भी जारी हैं। कुछ सेक्टर में शौचालय व अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के कार्य चल रहे हैं। संतों के शिविरों में यज्ञशालाएं सजने लगी है। बड़े धर्माचार्यों के भी आने का इंतजार है। उम्मीद है कि 14-15 जनवरी यानी मकर संक्रांति से माघ मेले में आस्था का सैलाब बढ़ जाएगा, जो मौनी अमावस्या के अवसर पर 21 जनवरी को उफान पर होगा। वर्ष 2021 और 2022 में कोविड के कारण पूरी दुनिया भयाक्रांत थी। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कल्पवासियों के संकल्प को ध्यान में रखते हुए दोनों साल माघ मेले के आयोजन की छूट दे दी थी। शिविर लगे थे, कल्पवासी भी आए थे, लेकिन रंगत अलग थी। श्रद्धालुओं को केवल स्नान और भजन तक ही सीमित रखा गया था। बड़े अनुष्ठान और आयोजन प्रतिबंधित थे। पूरे मेला क्षेत्र में कहीं भी यज्ञ प्रवचन जैसे बड़े आयोजन नहीं हुए। इस बार स्थिति अलग है। कोरोना का भय लगभग समाप्त हो चुका है। ऐसे में मेला क्षेत्र में 2 साल के अंतराल के बाद फिर से धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के मंच सजने लगे हैं। मेले की सुरक्षा के लिए करीब 5,000 पुलिस फोर्स तैनात की गई है। माघ मेले में 14 थाने, 38 पुलिस चौकियां और 15 फायर स्टेशन बनाए गए हैं। संगम क्षेत्र में ATS और STF के कमांडो तैनात हैं। पूरे मेला क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही मेले में जगह जगह सिविल ड्रेस में भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। आतंकवादी गतिविधियों के मद्देनजर मेला क्षेत्र के मुख्य स्थलों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस बल के अलावा मेला क्षेत्र में PAC और रैपिड एक्शन फोर्स की भी कई कंपनियां लगाई गई हैं। प्रमुख स्नान पर्वों पर एक दिन पहले ही मेला क्षेत्र में यातायात प्रतिबंधित कर दिया जाता है। भीड़ नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम को अत्याधुनिक रूप दिया गया है। तीर्थराज प्रयाग में वर्ष 2025 में महाकुंभ का योग है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस साल के माघ मेले का आयोजन महाकुंभ के रिहर्सल के रूप में मनाने का निर्देश दिया है। इसके मद्देनजर शासन ने इस बार के माघ मेले में अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की है।